देश उत्तराखंड त्रासदी झेल रहा है, आम आदमी गम जाता है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जश्न मनाने में लगी है। ताजी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से आई हैं। यहां पर कांग्रेस कार्यालय में क्रिकेटर पूर्व सांसद मोहम्मद अजरुद्दीन का जन्मदिन मनाते हुए केक काटकर जश्न मनाया जा रहा है। कल सुबह उत्तराखंड में आई भारी तबाही से देश का हर नागरिक शोक में है और त्रासदी में फंसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकारें भी हर संभव मदद के लिए पिछले 30 घंटों से रेस्क्यू चलाकर लोगों को बचाने में लगी है, लेकिन बिल्कुल विपरीत देश की बड़ी दूसरी पार्टी को कांग्रेस की संवेदनहीनता की जो तस्वीरें मुरादाबाद के कांग्रेस कार्यालय से सामने आई हैं, उन्होंने कांग्रेस की सोच पर प्रश्न चिन्ह ही लगा दिया है। यहाँ पर पूर्व सांसद और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रहे मोहम्मद अजरुद्दीन के जन्मदिन पर केक काट कर जश्न मनाते हुए कांग्रेस पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ता कैमरे में कैद हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष आजम अंसारी से जब इस बाबत पूछा गया तो बड़े खुश होकर बोले कि वो सोनिया गांधी से मांग करते हैं कि वो फिर से मुरादाबाद में मोहम्मद अजरुद्दीन को चुनाव लड़ाकर सांसद बनने का मौका दें। लेकिन जब उनसे उत्तराखंड त्रासदी के समय में जश्न मनाने पर सवाल किया गया तो वो अपनी सफाई देते हुए बोले कि जब प्रधानमंत्री कल रैली निकाल सकते हैं तो हम अपने नेता का जन्मदिन भी मना सकते हैं। ऐसे समय में त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के लिए जब 2 मिनट का मौन तक नहीं रखने पर पूछा गया, कांग्रेस नेता अपनी ही दलील देने लगे। मेरा नाम आजम अंसारी है, मैं कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का पूर्व अध्यक्ष हूँ और आज हम मुरादाबाद लोकसभा के पूर्व सांसद अपने लोकप्रिय नेता का जन्मदिन मना रहे हैं। मुरादाबाद की में जब वो सांसद थे उन्होंने अनेकों काम मुरादाबाद की जनता के लिए किए और आज भी जनता उनके कराए हुए कार्यों को सराह रही है और हम जिन गांव क्षेत्रों में जा रहे हैं संगठन संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत जनता की डिमांड है कि उन्हें पुनः मुरादाबाद लोकसभा से सांसद बनाया जाए। हम आज कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग करते हैं पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी से कि आगामी लोकसभा के चुनाव में उन्हें मुरादाबाद की जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो मुरादाबाद से पुनः सांसद बनकर मुरादाबाद के लोगों की सेवा कर सके। आजम भाई, एक सवाल था यार, देश कल से त्रासदी झेल रहा है और कांग्रेस केक काट रही है, क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी नदहा में भाषण दे रहे हैं, देश के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जगह मीटिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने पार्टी के नेता का कार्यक्रम मना रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देश के प्रधानमंत्री को तो मीटिंग छोड़कर आपदा पीड़ितों में जाना चाहिए था, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपदा पीड़ितों में जाना चाहिए था, गृह मंत्री जी को पुनः आपदा पीड़ितों में पहुंचना चाहिए था। यदि देश का प्रथम नागरिक अगर कहीं है और आपदा पीड़ितों की उसे परवाह नहीं है और यदि ऐसे में हम उसके तीसरे दिन हमारी उन लोगों के प्रति श्रद्धा है, हम उन लोगों को श्रद्धा सुमन पेश करते हैं, लेकिन हमारा साथ साथ देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल है कि उन्हें भी उस कार्यक्रम में जाना चाहिए था। क्या 2 मिनट का मौन कांग्रेस नहीं रख सकती केक काटने से पहले? देखिए केक अलग अलग क्राइड एरिया है, अभी कांग्रेस का कार्यक्रम केक काटने का है, थोड़ी देर के बाद में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मौन रखने का कार्यक्रम हम लोगों ने अलग से रखा है जिसको हम अभी पुनः 4 बजे रखने जा रहे हैं।